सुने, पाताल सुने, ऐ सूर्यवंशी रामचंद्र, प्रण करता हूं कि पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करवाऊंगा। हेलो दोस्तों, दंगल जैसी जबरदस्त फिल्म डायरेक्ट करने वाले नितेश तिवारी अब अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर चर्चाओं में है। बॉलीवुड के मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर में से एक नितेश तिवारी ने अपनी फिल्म रामायणा को लेकर बड़ा अपडेट सामने दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो नितेश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म रामायण एक बिग बजट फिल्म होने वाली है, जिसका बजट आदिपुरुष से भी ज्यादा बताया जा रहा है। साथ ही बता दे कि इस फिल्म में रणबीर कपूर श्री भगवान राम के रोल में नजर आएंगे और आलिया भट्ट माता सीता के रोल में नजर आएंगी और यश रावण के रोल में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म पर नितेश तिवारी लंबे समय से काम कर रहे हैं और इस फिल्म में हमें बॉलीवुड के साथ साउथ के भी कई बड़े कलाकार देखने को मिल सकते हैं। खबरों के माने तो फिलहाल रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म एनिमल की शूटिंग में बिजी हैं और वो एनिमल के बाद ही रामायण में काम शुरू करेंगे। बताया जा रहा है कि अभी रामायण की स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है, ऐसे में इस फिल्म के लिए फैंस को काफी इंतजार करना पड़ सकता है। ये फिल्म 2024 के मिड में रिलीज की जा सकती है। फैंस रणबीर को भगवान श्री राम के रोल में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिल्मों से जुड़े ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सकें।